दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल डीबी परफेक्ट न्यूज में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पवनदीप राजन की। दोस्तों अनु मलिक ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि इंडियन आइडल का विनर कौन बनेगा और दोस्तों उन्होंने कसम भी खाई थी। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो को विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और अब इंडियन आइडल का फिनाले भी बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक अभी दो दिन पहले एक एपिसोड में पवनदीप राजन ने एक सॉन्ग गाया था। उनकी परफॉर्मेंस देखकर अनु मलिक बेहद खुशी हुए थे। जी हां दोस्तों, उनको बेहद खुशी हुई थी और उन्होंने ये भी कह दिया, पवनदीप मैं कसम खा कर कहता हूं, अगर आज फिनाले होता तो तुम ही इंडियन आइडल फिनाले के विनर होते। जी हां दोस्तों, यानी कि उनका सॉन्ग सुनने के बाद अनु मलिक ने यह साफ जाहिर कर दिया कि पवनदीप तुम ही इंडियन आइडल के विनर बनने के लायक हो। उन्होंने कहा, तुम में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो कि एक विनर के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि जाहिर है कि ये पहले से ही मनगढ़ंत रची हुई है, यानी कि दोस्तों और सिंगरों ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उसके बावजूद भी अनु मलिक ने पहले ही उनको बता दिया कि पवनदीप राजन तुम्हारे अंदर वो सब चीज पाई जाती है जो एक सिंगर के अंदर होना चाहिए, यानी कि तुम ही इंडियन आइडल के विनर होगे। और दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि आज इंडियन आइडल का फिनाले होता तो पवनदीप राजन तुम इंडियन आइडल के विनर होते। और दोस्तों दूसरे सिंगर कहां गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाना चाहिए थी अपनी? उनको भी तो परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए थी, उसके बाद कहते तो कोई बात नहीं थी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इंडियन आइडल का फिनाले बहुत जल्द आने वाला है, अब आपको मालूम चल ही जाएगा कि इंडियन आइडल का विनर कौन बनेगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।